सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संदीप कौर। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी जो बेनिफिशियल इंसेक्ट होते हैं हमारे। पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि इंसेक्ट होते क्या, उनमें जो इंसेक्ट है वो हार्मफुल भी हो सकते हैं और वो बेनिफिशियल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं। तो उसमें हम कौन कौन से इंसेक्ट डिस्कस करेंगे, उसमें फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे सिल्कवॉर्म के बारे में, देन हनी बीस, और देन उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे लैक इंसेक्ट के बारे में, ठीक है। तो जो हनी बीज हैं, सॉरी जो हमारे सिल्कवॉर्म्स हैं, ठीक है, वो उनकी कौन कौन सी स्पीसीज होती हैं, ठीक है, वो कैसे सिल्क प्रोड्यूस करते हैं, क्या उसकी क्लासिफिकेशन है, ठीक है, कौन सा उनका फाइलम कौन सा है, ठीक है, जीनस कौन सी है, उसकी स्पीसीज कौन सी है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे बिलोंग टू किंगडम। तो ये किस कौन से किंगडम को बिलोंग करते हैं, तो ये एनिमेलिया किंगडम को बिलोंग करते हैं। देन फाइलम कौन सा आता है, फाइलम होते हैं आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का मीन्स होता है, आर्थ्रो मीन्स जॉइंटेड, पोडा मीन्स फुट। तो इनके जो जॉइंटेड फुट्स होते हैं, ठीक है, इसीलिए हम इसको आर्थ्रोपोडा बोलते हैं। और जो फर्दर इसकी क्लास है वो कौन सी होती है, वो होती है क्लास इंसेक्टा। देन इसका जो ऑर्डर है वो कौन सा होता है, लेपिडोप्टरा ऑर्डर। लेपिडोप्टरा क्यों होता है, क्योंकि इनके विंग्स होते हैं, ठीक है, और ये फ्लाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ विंग्स, ठीक है, इसलिए हम इसको इसको कंसिडर किया जाता है इन केस ऑफ लेपिडोप्टरा ऑर्डर। देन फर्दर इसकी एक फैमिली होती है, वो कौन सी होती है, वो है बॉम्बिसिडी। तो इसकी फैमिली क्या है, बॉम्बिसिडी। और जो इसका जीनस है वो है बॉम्बेक्स, और जो इसकी स्पीसीज है वो है मोरी, ठीक है। तो ये इसका जो होस्ट प्लांट है, होस्ट प्लांट का मतलब ये है कि ये कौन से प्लांट के ऊपर फीड करते हैं, ठीक है, थीके? तो ये फीड करेंगे मलबरी प्लांट के ऊपर, ठीक है, जो शहतूत होता है वो इसके ऊपर फीड करते हैं। तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मलबरी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक लार्वा है सिल्कवॉर्म का, ठीक है, और ये हमारे पास मलबरी लीफ है, और जो इंसेक्ट है वो मलबरी लीफ के ऊपर फीड करता है, ठीक है, और वो अपना जो ये हमारे पास कोकून है, ठीक है, कोकून होता है जो जो लार्वा से जो नेक्स्ट जो स्टेज आती है इसकी, वो कोकून बनाते हैं, ठीक है, देन इसके बाद में निम्फ होता है, देन इसका अडल्ट आता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, कोकून स्पिन करते हैं, ठीक है। तो ये इसके ऊपर जो आउटर कवरिंग होती है, जो जो कोकून की आउटर कवरिंग होती है, जिसमें इनका जो जो लार्वा है वो प्यूपल स्टेज में आता है, तो वो क्या आता है, इसके ऊपर ये सिल्कन थ्रेड्स होते हैं। ये जो वाइट वाइट कलर का है वो क्या है हमारे पास, ये सिल्कन थ्रेड है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, सिल्कन थ्रेड्स हैं, ठीक है। तो मेनली जो हमारा मलबरी होता, ये जो मलबरी सिल्कवॉर्म है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, ये हमें सिल्क प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो हम बोलते हैं कि सिल्क के सूट, ठीक है। तो वो हमें मिलते कहाँ से हैं, वो हमें इस इंसेक्ट से मिलते हैं, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल कि ये जो सिल्क होता है वो कौन सी जो उसके ग्लैंड्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं उसको इसको सेक्रेट करने के लिए। तो जो सिल्क वॉर्म है उसमें क्या होता है, ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, इसके सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो लार्वे के, वो क्या करते हैं, वो सिल्क को प्रोड्यूस करते हैं, वो क्या करते हैं, वो सिल्क को प्रोड्यूस करते हैं, उसी को हम यूज करते हैं एज ए सिल्क, ठीक है, उसी का हम कपड़ा बनाते हैं, ठीक है, उसी का हम यूज करते हैं। तो मेनली यही क्वेश्चन आता है कि जो हमारा सिल्क है वो कौन से ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, तो वो हम बोलेंगे सलाइवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो फर्दर हम डिस्कस करेंगे कि इसकी कौन कौन सी स्पीसीज होती हैं, जो हमारा सिल्कवॉर्म है उसकी कौन कौन सी स्पीसीज हमारे पास अवेलेबल हैं, और ये किसके ऊपर फीड करते हैं, क्या इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है, और इसके कौन कौन से होस्ट हैं, क्या इसकी फैमिली है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मलबरी सिल्कवॉर्म, ठीक है। इसका मलबरी सिल्कवॉर्म नाम क्यों है, इसका नाम मलबरी सिल्कवॉर्म इसलिए है क्योंकि ये मलबरी के लीव्स के ऊपर फीड करता है। मलबरी क्या होता है, हमारा शहतूत है, और जो हमारा शहतूत है फर्दर उसके
स्पीसीज हो सकती हैं, जैसे हम बोलते हैं कि नीम है, नीम में फर्दर उसकी जो टाइप्स होती हैं, लाइकवाइज जो हमारा मलबरी है उसकी भी फर्दर टाइप्स हो सकती हैं। तो वो किस किस के ऊपर फीड करता है? वो करता है मोरस अल्बा के ऊपर, देन मोरस सिलाटा, इंडिका, लैटिफोलिया के ऊपर फीड करता है, ठीक है। तो इसकी जो साइंटिफिक नेम है वो है हमारे पास बॉम्बेक्स मूरी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। और जो इसकी फैमिली है वो है बॉम्बेसिडी, तो इसकी फैमिली क्या है? बॉम्बेसिडी। देन वी हैव अनदर टाइप ऑफ स्पीसीज, तो इसका नाम है एरी सिल्क वॉर्म, इसका नाम है हमारे पास एरी सिल्क वॉर्म। इसका साइंटिफिक नेम होता है सेमिया सिंथिया और सेमिया इंथिया, इसका साइंटिफिक नेम है सेमिया सिंथिया और सेमिया इंथिया, ठीक है। तो जो इसकी फैमिली है वो है स्टर्नडी, इसकी फैमिली क्या है हमारे पास? स्टर्नडी है। और ये किसके ऊपर फीड करता है? ये कौन से प्लांट के ऊपर फीड करता है? जैसे मैंने आपको बताया है कि जो मलबरी सिल्कवॉर्म है, ठीक है, बॉम्बेक्स मोरी है, वो फीड करता है मलबरी के ऊपर। तो लाइक ये जो एरी सिल्कवॉर्म है वो किसके ऊपर फीड करता है? वो फीड करता है कैस्टर के ऊपर। तो कैस्टर का साइंटिफिक नेम क्या होता है? रिकिनस क्यूमेंस, ठीक है, ये फीड करता है कैस्टर के ऊपर। देन वी हैव अनदर स्पीसीज ऑफ द सिल्कवॉर्म, दैट इज ट्रॉपिकल सिल्क, ट्रॉपिकल टसर सिल्क, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम है हमारे पास एंथ्रिया मेलिटिया, ठीक है। इसकी भी फैमिली स्टर्नडी है। और ये किस चीज़ों के ऊपर फीड करता है? वो जो प्लांट्स हैं उसका नाम है अर्जुन, बेल, देन असन और साल, ठीक है। ये वाले प्लांट्स के ऊपर फीड करता है और सिल्क प्रोड्यूस करता है अपने सिलेवरी ग्लैंड से। लाइकवाइज अनदर टाइप वी हैव ओक, ओक टसर, ठीक है। तो ये जो ओक टसर है वो क्विर्कस स्पीसीज होती हैं, क्विर्कस एक प्लांट है उसके ऊपर फीड करता है। सिमिलरली जो मुगा सिल्क है वो स्वालू और सोम प्लांट्स के ऊपर फीड करता है, ठीक है। सो दीज वर दी स्पीसीज एंड देयर फैमिलीज टू विच दे बिलोंग, और ये किस किस प्लांट के ऊपर फीड करते हैं उनके बेसिस के ऊपर इनकी क्लासिफिकेशन है, ठीक है। फर्दर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो मैंने अभी डिस्कस किया है वो इंसेक्ट कैसे दिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास वाइट कलर का होता है, जो मलबरी सिल्क वॉर्म होता है वो कौन से कलर का होता है? ये वाइट कलर का होता है। जो टसर सिल्क मॉथ होता है वो थोड़ा ऑरेंजिश कलर का होता है, ठीक है। और इसके जो विंग्स हैं उसके ऊपर निशान होते हैं, ठीक है। इसके विंग्स के ऊपर क्या होते हैं? निशान होते हैं। इसी वजह से इसको हम स्टर्नडी फैमिली में इंक्लूड करते हैं, ठीक है, ठीक है। देन वी हैव अनदर टाइप, दैट इज मूगा सिल्क वॉर्म। जो हमारे पास अदर टाइप है वो क्या है? मूगा सिल्क वॉर्म, ठीक है। तो ये क्या होता है? वो डार्क ब्राउन कलर का होता है और वी कैन से ये कॉपर कलर का दिखता है, ठीक है। इसमें भी ये देखो यहाँ पे स्पॉट्स होते हैं, ठीक है। तो ये भी स्टर्नडी फैमिली में आता है। लाइकवाइज हमारे पास एरी सिल्क वॉर्म है, ठीक है, वो ऐसे दिखता है। सो दीज आर दी टाइप्स ऑफ दी स्पीसीज ऑफ दी सिल्क वॉर्म, ठीक है। फर्स्ट वन वी हैव दी मलबरी सिल्क वॉर्म, जो मलबरी के ऊपर फीड करेगा, ठीक है। देन वी हैव टसर, ठीक है। देन वी हैव मूगा एंड एरी सिल्क वॉर्म। देन वी हैव अनदर बेनिफिशियल इंसेक्ट, जो पहले हमने डिस्कस किया है कि हमारे पास होता है सिल्क वॉर्म, उसकी हमने टाइप्स डिस्कस करी हैं, वो कहाँ से सिल्क प्रोड्यूस करते हैं, कौन से ग्लैंड्स होते हैं वो जो सिल्क प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, क्या उसके होस्ट हैं, वो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे हनी बीज के बारे में, वो भी क्या है? हमारे लिए एक बेनिफिशियल इंसेक्ट है, ठीक है। तो ये जो हनी बीज है वो क्यों बेनिफिशियल है, क्या उसकी महत्ता है, वो क्या हमें प्रोवाइड करते हैं जिसके लिए हम बोलते हैं कि हाँ ये हमारे लिए बेनिफिशियल इंसेक्ट है? तो वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? वो हमें वैक्स प्रोवाइड करते हैं, हनी प्रोवाइड करते हैं, देन पोलन प्रोवाइड करते हैं, रॉयल जेली होता है, देन बी वेनम हो गया, ठीक है, देन उसके बाद प्रोपोलिस और पोलन, ठीक है। ये सारा कुछ हमें कहाँ से मिलता है? ये मिलता है हमें हनी बीज से, ठीक है। तो ये जो हनी है, हनी तो हम देखो जब भी हम बीमार होते हैं, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं कि हनी ले लो, अगर खांसी हुई तो हनी ले लो, ठीक है। तो हम ये भी बोलते हैं कि रेगुलरली हमें हनी कंज्यूम करना चाहिए। तो ये क्या है हमारे लिए? ये एक बेनिफिशियल इंसेक्ट है, ठीक है। इसका जो जो प्रोडक्ट होता है उसको हम यूज़ करते हैं। देन बी वैक्स, इसको भी हम एज ए जो हमारे मेडिकल एंटोमोलॉजी होती है उसमें भी हम इसको यूज़ करते हैं। लाइकवाइज पोलन को भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। और फिर
रॉयल जेली होगी, प्रोपोलिस हो गया, इसको हम यूज़ करते हैं. देन कमिंग टू दिस हनी बीज, ये कौन कौन से, जैसे ये जो मैंने अभी बोला कि बी वैक्स होती है, ठीक है, तो ये बी वैक्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं, कौन से उनमें कोई ग्लैंड्स होते हैं, कोई सेगमेंट होता है जो उसको प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, तो वो कौन से ग्लैंड्स होते हैं, वो होता है एब्डोमिनल सेगमेंट्स होते हैं, सेवन्थ टू फोर्थ टू सेवन्थ एब्डोमिनल सेगमेंट होते हैं जिसके ऊपर वैक्स, जिसकी मदद से ये क्या करते हैं, वैक्स प्रोड्यूस करते हैं. लाइकवाइज जो रॉयल जेली होती है वो कैसे होते हैं, वो जो वर्कर बीज होती हैं, ठीक है, वो हेल्प करती हैं, जो वर्कर हनी बीज हैं वो रॉयल जेली प्रोड्यूस करती हैं जिसके ऊपर जो लार्वा वो फीड करता है वो क्वीन बी बनता है, ठीक है, उससे क्या बनती है, क्वीन बनती है. देन कमिंग टू इट्स फैमिली, जो हमारी जो हनी बीज है वो कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो इनकी फैमिली है एपिडी. इनकी फैमिली कौन सी है, एपिडी. जैसे मैंने पहले सिल्क वॉर्म की स्पीसीज को डिस्कस किया था, लाइकवाइज जो हमारे हनी बीज होती है उनकी भी स्पीसीज होती हैं, तो मेनली इसकी 5 स्पीसीज होती हैं, ठीक है. तो जो हमारे पास पहली स्पीसीज है वो है हमारे पास सिराना इंडिका, ठीक है, इसको हम इंडियन हाइव बी भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंडियन हाइव बी. देन वी हैव एपिस मेलिफेरा, जिसको हम मेनली जिसकी कॉलोनीज हम रखते हैं, इसको हम हनी प्रोड्यूस करने के लिए मेनली इन्हीं को यूज़ किया जाता है, और इनको हम यूरोपियन और इटालियन बीज भी बोलते हैं. देन वी हैव डॉर्साटा, जो ये डॉर्साटा की बात कर रही हूँ मैं, ये बहुत ही फ्रेजाइल होती हैं, ये बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होती हैं, मीन्स के ये बहुत ज़्यादा मतलब जब हम इसकी रेयरिंग करते हैं, जब हम इसको हम कॉलोनीज इसकी रखते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं, ये इनका जो बिहेवियर होता है वो नॉर्मल नहीं होता, ठीक है. देन वी हैव फ्लोरिया, ये बहुत, इनका जो साइज़ है, फ्लोरिया का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, इस वजह से इसको लिटिल बी भी बोला जाता है, ठीक है. और जो डॉर्सेट है उसको हम रॉक बी भी बोलते हैं. देन वी हैव अनदर टाइप, दैट इज़ मेलियोपोना इरिडिपेनिस, ये जो है ये स्टिंगलेस होती हैं, ये कौन सी होती हैं, ये स्टिंगलेस बीज होती हैं, और इसको हम डैमर बी भी बोलते हैं, और इसकी जो फैमिली है वो है मेलिपोरिडी, इसकी जो फैमिली है मेलिपोरिडी है, अदरवाइज जो बाकी इसकी स्पीसीज हैं वो सारी एपिडी को बिलोंग करती हैं. उसमें हमने डिस्कस किया जैसे ये यूरोपियन बी होगी, ठीक है, देन फ्लोरिया, ठीक है, इंडियन बीज हमने डिस्कस करी हैं, ठीक है, देन रॉक बीज डिस्कस करी हैं, ये सारे किसकी कौन सी फैमिली में आते हैं, ये सारे आते हैं एपिडी फैमिली में आते हैं, ठीक है. तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये जो बीज हैं वो दिखती कहती हैं कैसी हैं, ठीक है. तो इसमें जो एपिस सिराना है वो उनका जो अबडमन है वो मोस्टली थोड़ा सा ब्लैक होता है रेदर देन जो मेलिफेरा और डॉर्साटा से, ठीक है, इनका क्या अबडमन ब्लैकिश होता है, ठीक है. और जो मेलिफेरा होती है वो जो नॉर्मली अगर हम उसको देखेंगे तो उसके ऊपर यहाँ पे हेयर्स कम रहते हैं, और एज़ कम्पेयर टू ये जो डॉर्सेट है उसके ऊपर ये हेयर्स काफ़ी होते हैं. और जो फ्लोरिया बीज होती हैं उनका साइज़ इनसे कम होता है, वो इतने साइज़ की ही होती हैं, ठीक है, उसको हम स्मॉल बी और लिटल बी भी बोलते हैं, ठीक है. तो अब हम इसके जो करैक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट एपिस डॉर्साटा. तो ये जो मैंने अभी आपको बताया था कि इसको हम रॉक भी बोलते हैं और ये बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होती हैं, तो इनके क्या फीचर्स हैं, ठीक है, कि ये क्या करती हैं, ये जो कॉम बनाती हैं जिसके ऊपर ये रहती हैं, इनका क्या होता है, सिंगल कॉम ही होता है, ये एक ही कॉम के ऊपर रहती हैं, ये इसके फर्दर सेल्स होते हैं जिसमें इसके लार्वा वर्कर बीज, ठीक है, ये सारे रहते हैं. तो ये क्या करती हैं, ये सिंगल कॉम बनाती हैं, और इसकी जो हाइट होती है ये क्या हो सकती है, छः फीट हो सकती है ये, ठीक है, ये क्या हो सकती है, 6 फीट हो सकती है इसकी जो हाइट है, ठीक है. तो ये क्या करती है, ये मेनली इसमें क्या होता है, ये जो बीज हैं वो अपनी जो शिफ्टिंग करती रहती हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, चौथी जगह, वो मतलब कि एक ही जगह पे नहीं रहती, वो अपनी जगह चेंज करती रहती हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला था कि ये फ्रेजाइल होती हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, जब इनका मन करता है तो ये एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह ऐसी ही जाती रहती हैं, ठीक है. देन रॉक बीज, दे आर दी फिरोशियस और डिफ़िकल्ट टू बियर, जैसे मैंने आपको बताया कि ये फ्रेजाइल होती हैं, ठीक है, और इसको रेयरिंग करनी इनकी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि
इनका जो स्टिंग होता है वो बहुत ज़्यादा स्टिंग करती हैं, जब हम इसकी रेयरिंग करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा स्टिंग करती हैं, ठीक है। और जो इसका जो एवरेज हनी प्रोडक्शन होती है वो कितनी होती है, 36 kg पर कॉम्ब पर ईयर। जैसे ये एक कॉम्ब है, ठीक है, तो इसमें क्या होएगा, 36 kg पर ईयर इसकी हनी प्रोडक्शन होती है। कितनी होती है, 36 kg पर ईयर, ठीक है। देन अब हम डिस्कस करेंगे फ्लोरिया के बारे में। जो फ्लोरिया है वो मैंने अभी आपको बोला था कि इसको स्मॉल और हम इसको लिटिल बीज भी बोलते हैं, क्योंकि इनका जो साइज है वो काफ़ी छोटा होता है, इस वजह से हम इसको स्मॉल और लिटिल बीज बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये बहुत ही जो पाम की ब्रांचेज होती है ना उसके ऊपर, या फिर हेजिस होगी, ठीक है, कोई भी कोई बुश लगी हुई है तो उसके ऊपर ये बनाती हैं अपने कॉम्ब्स। ये जैसे सपोज करो कि यहाँ पे एक वेस्ट ये वुड पड़ी हुई है यहाँ पे, ठीक है, इसके ऊपर इसने क्या करना है, कॉम्ब बना लेना अपना। और इनका जो कॉम्ब है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, वो इसलिए नहीं बड़ा होता, एक तो इनका खुद का साइज इतना छोटा होता है, ठीक है, तो इनका कॉम्ब साइज छोटा होगा। अब देखो जो इनका कॉम्ब साइज था वो था 6 feet, ठीक है। अगर 6 feet है, 6 feet आप सोच के देखो कितना बड़ा होता है, एक बंदे की हाइट जैसे हो गया, ठीक है। तो देखो अगर 6 feet है तो इनकी जो एवरेज हनी प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा होगी। अगर इनका कॉम साइज ये छोटा है तो डेफिनेटली इनकी जो हनी प्रोडक्शन है वो क्या होगी, वो कम होगी। तो इनकी जो हनी प्रोडक्शन है वो क्या होती है, ओनली 1/2 kg, आधा किलो ही इससे हमें हनी मिलता है पर ईयर पर हाइव, ठीक है। ये हाइव में मिलता है, हाइव का मतलब ये है जब हम इसको रियर करते हैं एक बॉक्स में, और जो बॉक्स होता है उसमें जो फ्रेम्स होते हैं फर्दर, ठीक है, उसमें जब हम इसको रियर करते हैं तो उस टाइम पे हमें 1/2 kg मिलता है हनी इसका, ठीक है। और जो बॉक्स होता है, बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हाइव, ठीक है, या इसको हम बोलते हैं कॉलोनी, इसको क्या बोला जाता है, हाइव और कॉलोनी बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये कह रहे हैं कि दे आर नॉट रियरेबल, ये भी क्या है, इसको हम रियर नहीं कर सकते, इसको हम ऐसे कंट्रोल करके नहीं रख सकते जैसे हम मेलीफेरा को रखते हैं, उसकी हम रियरिंग करते हैं, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसकी भी ये हैबिट है कि ये यहाँ एक जगह से दूसरी जगह तीसरी जगह ये जाती रहती हैं, ठीक है। इसलिए इसको जो रियरिंग है दे आर नॉट रियरेबल फ्रीक्वेंटली, ये क्या करते हैं अपनी जो प्लेस है उसको चेंज करते रहते हैं, ठीक है। तो इसका जो साइज है वो कम होता है, जो इंडियन बीज है उनसे कम होता है। इंडियन बीज का मतलब क्या होता है, जो हमारी मेलीफेरा बीज है उनसे इनका साइज भी कम है, ठीक है। और ये कहाँ पे होते हैं, ये प्लेन्स में होते हैं, ठीक है, ये कहाँ पे होते हैं, जो हमारे प्लेन रीजन्स होते हैं वहीं पे इनको होता है, ठीक है। और ये हिल्स में नहीं हो सकते, कितने इन्होंने बताया है कि इनका जो अगर मोर देन 450 मीटर हो गया जो हिल्स आ गई, तो वहाँ पे ये नहीं सरवाइव करते, वहाँ पे क्या करेंगे, ये सरवाइव नहीं करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्लोरिया एंड एपिस डॉर्साटा। अब हम डिस्कस करेंगे जो हमारी रिमेनिंग स्पीसीज हैं, इसमें हमारे पास आ गया सिराना इंडिका, एपिस सिराना इंडिका, ठीक है। तो ये जो एपिस सिराना इंडिका है वो उसको हम इंडियन बीज और हम इसको एशियन बीज भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इंडियन और एशियन बीज भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, वो बहुत सारे पैरलर कॉम्ब्स बनाएंगे ऐसे करके, सपोज करो कि ये एक बुश और या फिर कोई भी लकड़ है, कोई भी एरिया है जिसके ऊपर इसने कॉम्ब्स बनाने, तो वो काफ़ी सारे पैरलर कॉम्ब्स बनाएंगे। क्या होएगा, ये सारे एक दूसरे के पैरलर काफ़ी सारी ये कॉम्ब्स बनाते हैं। पहले हमने देखा था कि जो हमारी रॉक बीज हैं, ठीक है, डॉर्साटा, वो क्या करती थी, वो सिंगल कॉम्ब बनाती थी, ठीक है। डॉर्साटा में क्या होता था, सिंगल कॉम्ब बनाती थी, ठीक है। और जो हमारी फ्लोरिया थी उसमें क्या था, स्मॉल कॉम्ब होती थी। इसमें क्या होंगे, इसमें बहुत सारे पैरलर कॉम्ब्स बनेंगे, ठीक है। और ये जो इसकी कैविटीज होती हैं वो क्या होती हैं, डार्क होती हैं, इसकी कैविटीज क्या होती हैं, डार्क होती हैं, डार्क इन कलर्स होती हैं, ठीक है। और इनका जो साइज है वो फ्लोरिया से बड़ा होता है, जो भी हमने डिस्कस किया है स्मॉलर बीज। पहले मैंने बोला था कि इनका जो फ्लोरिया है वो इंडियन बीज से छोटी होती हैं, तो ये क्या होंगी, उनसे बड़ी होंगी, ठीक है। और इनकी जो मिल्क, ये जो हमारी हनी प्रोडक्शन होती है वो क्या होती है, 5 kg
5 kg पर ईयर पर हाइव। जब हम इसकी रेयरिंग करते हैं तो इससे हमें कितना हनी प्रोड्यूस होता है, 5 kg होता है पर ईयर। ठीक है, देन वी हैव, और ये इंडिया से नेटिव है इसलिए हम इसको इंडियन और एशियन बीज भी बोलते हैं। ठीक है, देन वी हैव अनदर दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द रेयरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज वॉट वी हैव मेलीफेरा बीज। ठीक है, मेलीफेरा बीज, और इसको हम इटालियन बीज भी बोलते हैं, यूरोपियन बीज भी बोलते हैं। ये इटालियन और यूरोपियन क्यों है, क्योंकि ये उनकी जो इसको इम्पोर्ट किया था फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज से, इसको हमने कहाँ से इम्पोर्ट किया, यूरोपियन कंट्री से इम्पोर्ट हुई है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं इटालियन बीज। ठीक है, देन इसमें क्या होता है, इसमें भी ये पैरलर कॉम्ब्स बनते हैं, जैसे हमने देखा कि जो सिराना इंडिका है वो भी पैरलर कॉम्ब बनाती है, तो इसमें भी क्या होते हैं, पैरलर कॉम्ब्स होते हैं। ठीक है, और इनका जो साइज है, दे आर लार्जर देन इंडियन बीज, ये जो इंडियन बीज हैं उनसे लार्जर होती है, और जो रॉक बीज हैं जो हमने सबसे पहले डिस्कस करी थी उनसे ये छोटी होती है। ठीक है, इंडियन बीज से क्या होएंगी, ये लार्जर होएंगी और रॉक बीज से छोटी होएंगी। ठीक है, तो इनकी जो यील्ड है वो कितनी होती है, 35 kg पर ईयर पर हाइव। तो सबसे ज़्यादा किसकी हुई, डैम जो हमारी रॉक बीज थी, ठीक है, उनकी सबसे ज़्यादा थी, उनकी थी हमारे पास 36 kg। ठीक है, तो इसकी क्या यील्ड है हमारे पास, 35 kg। ठीक है, और ये इसमें क्या है, इसमें स्वार्मिंग नहीं होती। स्वार्मिंग का मतलब क्या है कि जब कोई भी इसके ऊपर, इनको ये जो बीज हैं उनको लगता है कि हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो क्या करती हैं, वो वहाँ से शिफ्ट कर जाती हैं किसी और जगह। ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, एक क्वीन भी एक जगह पे रहेगी और दूसरी भी जो क्वीन भी है वो दूसरी जगह पे अपना जो आधी कॉलोनी है वो अपने साथ जो आधे हनी बीज होती हैं उसमें वर्कर बीज भी होती हैं, ठीक है, उनको और ड्रोन्स होते हैं उनको अपने साथ ले जाती है और आधी उसी में रह जाती है। स्वार्मिंग का मतलब होता है कि जब उसमें कोई अनएक्सपेक्टेड जो कंडीशंस आती हैं तो उसमें क्या होता है, वो अपनी जो कॉलोनी है वो डिवाइड करके एक तो इधर रहेगी दूसरी कहीं और चली गई। ठीक है, और जो एब्सकॉन्डिंग होता है, एब्सकॉन्डिंग में होता है कि जो जो कॉलोनी है जहाँ पे उसने कोई जो ये जो हनी बीज हैं, सपोज करो कि ये कॉलोनी है और दिस इज़ द हाइव, इसमें इन्होंने क्या किया, उसको रियर किया हुआ है, यहाँ पे हनी बीज हैं, लेकिन क्या होता है समटाइम्स ड्यू टू अनफेवरेबल वेदर कंडीशन, जब क्या होता है अनफेवरेबल वेदर कंडीशन हो जाती हैं या फिर वहाँ पे जो हनी बीज के ऊपर जो इंसेक्ट है वो अटैक करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो सारी जो कॉलोनी होती है वो वहाँ से शिफ्ट हो जाती है कहीं और, वो वहाँ पे रहती नहीं है, वो भाग जाती है वहाँ से। सो दैट इज़ व्हाट एब्सकॉन्डिंग, वो क्या है हमारे पास, एब्सकॉन्डिंग। स्वार्मिंग में क्या होता है कि जब दो हनी बीज प्रेजेंट होगी, दो क्वीन हनी बीज प्रेजेंट होगी, तो वो कॉलोनी डिवाइड हो जाती है, एक पोर्शन वहीं पे रहेगा और दूसरा पोर्शन कहीं और चला जाएगा। लेकिन एब्सकॉन्डिंग में क्या होता है, वो सारी कॉलोनी छोड़ के चली जाती है, वो कहीं और जाके बैठ जाती है, वो वापस नहीं आती। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें जो मेलीफेरा होती हैं इसमें ये वाली प्रॉब्लम नहीं होती, ना तो ये स्वार्म करती हैं, बहुत कम स्वार्म करती हैं, और ये इसमें एब्सकॉन्डिंग भी काफ़ी कम होती है। ठीक है, सो दीज वर दी मेन करेक्टर्स ऑफ दी हनी बीज। देन वी हैव अनदर दैट इज मेलियोपोना एरिडिपेंस, ये क्या होती हैं, ये स्टिंगलेस भी होती हैं, ये मतलब ये है कि ये इनके ऊपर स्टिंग नहीं होता, ये जब हम इसको रियर करेंगे तो ये इसके ऊपर स्टिंग नहीं होएगा, ये काटेंगे नहीं। ठीक है, और इनके ऊपर अभी रिसर्च चल रही है। ठीक है, और इनको जो रियरिंग है वो थोड़ी मुश्किल है, हमारे जो इधर जो हमारे ट्रॉपिकल कंडीशंस है वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, अदरवाइज ये जो हिली एरियाज है वहाँ पे फॉरेन कंट्रीज में इसको रियर किया जाता है। ठीक है, देन वी हैव हनी बी कास्ट, तो जो हनी बीज हैं उसमें कौन कौन सी कास्ट होती है, जो हनी बीज जैसे हमारे ह्यूमन बीइंग्स में हम डिवाइड करते हैं कि एक हो गए हमारे फीमेल्स होती हैं, देन मेल्स होते हैं, देन हमारे पास जो यंग वंस होते हैं। ठीक है, लाइकवाइज जो हनी बीज हैं उनमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन होती है, उसको वो कास्ट बोलते हैं। कास्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो अलग अलग काम करते हैं।
ठीक है, उनका मेन फंक्शन होता है कि वो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ठीक है। तो वो जो कास्ट है वो कौन कौन सी होती है, पहले तो आई गेस में क्वीन, ठीक है, फर्स्ट क्या होता है, क्वीन भी होती है, ये है क्वीन बी। तो ये जो क्वीन बी होती है वो मेनली क्या होती है, वो फर्टाइल होती है। फर्टाइल का मतलब ये है कि वो यंग वंस प्रोड्यूस करती है, वो क्या करेगी, एग्स, फर्टाइल एग्स प्रोड्यूस करेगी। और उसका मेनली काम क्या होता है, उसने सारी कॉलोनी में एग्स प्रोड्यूस करने होते हैं, उसने क्या करना होता है, एग्स प्रोड्यूस करने होते हैं। और जो हनी बीज, जो क्वीन बी होती है, उसकी एग लेइंग कैपेसिटी होती है 1000 पर आर, एक घंटे में वो एक 1000 वो एग्स प्रोड्यूस कर देती है। वो उसका मेनली काम होता है कि उसने सारा दिन एग्स ही प्रोड्यूस करने होते हैं, ठीक है। जब उसकी मेटिंग हो जाती है तो वो एग्स प्रोड्यूस करती है। देन वी हैव अनदर कास्ट दैट इज वर्कर बीज। ये जो क्वीन बी है वो सबसे बड़ी होती है, उसका जो साइज है वो बड़ा होता है। देन उसके बाद क्वीन वर्कर बीज, और जो ड्रोन्स होते हैं उसकी पहचान ये होती है कि जो उसका माउथ है, ये जो हेड पोर्शन होता है वो क्या होता है, राउंड होता है, वो क्या होता है, राउंड होता है, ठीक है। और जो उसकी आईज हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं, वो दोनों जैसे हमारी ये जो आईज के बीच में पोर्शन खाली है, लेकिन जो ड्रोन्स होते हैं उसमें क्या होता है, वो दोनों साइड ऐसे जुड़े ही होते हैं, ठीक है, ऐसे दिखते हैं। तो हम इजिली हमें पता चल जाता है कि ये ड्रोन है, ठीक है। तो फिर फर्दर इसके अगर हम काम के ऊपर जाएं कि ये कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो मेनली जो वर्कर बीज होती हैं वो क्या करेंगे, वो जो कॉलोनी है उसकी ब्रीदिंग में हेल्प करती हैं, ठीक है, उसको फर्दर क्लीनिंग में, फॉरेजिंग एक्टिविटीज़ होगी, ठीक है। वो मींस फॉरेजिंग एक्टिविटीज़ का मतलब ये है कि वो फील्ड में जाती है, वहाँ से वो पोलन कलेक्ट करती है, नेक्टर कलेक्ट करती है, और वो लेके आती है कॉलोनी में जहाँ पे उसको रियर कर रहे हैं हम, ठीक है। देन जब ये वैक्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि उन्होंने कई बार क्या होता है, जो कॉलोनी है उसके बीच में बहुत सारा गंदा हो जाता है, तो उसकी जो क्लीनिंग करने के लिए कौन हेल्प करता है, तो वो वर्कर बीज होती हैं, उनका काम है उसकी क्लीनिंग करना, ठीक है। देन वी हैव ड्रोन्स, थर्ड कास्ट इज ड्रोन। तो ये जो ड्रोन होते हैं मेनली इनका क्या काम होता है, ये कोई क्लीनिंग में या फिर फॉरेजिंग एक्टिविटीज़ में हेल्प नहीं करते हैं, और मेनली इनको जो इनका जो काम है वो है मेटिंग का, वो क्या करते हैं, क्वीन बी के साथ मेटिंग करते हैं। लेकिन इसमें ये है कि ये कॉलोनी के अंदर रह के नहीं मेट करते, ये इसको बाहर जाना पड़ता है कॉलोनी के, इनकी जो मेटिंग है वो एयर में होती है, इनकी जो मेटिंग है वो एयर में होती है। पहले क्या होता है, जो स्टार्टिंग में जो क्वीन बी है वो नप्चुअल फ्लाइट लेती है, फर्स्टली वो क्या करेगी, नप्चुअल फ्लाइट लेती है, ठीक है, उस टाइम पे वो क्या करती है, मेटिंग होती है। और इसमें एक और बात है, जब ये ड्रोन मेटिंग करेगा तो जो ड्रोन होता है वो मर जाता है, ठीक है। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, जो ड्रोन्स होते हैं ना वो उसमें स्टिंग नहीं होते, दे नेवर बाइट, दे कांट बाइट, क्योंकि उसमें स्टिंग ही नहीं होता, ठीक है। और जो हमारी क्वीन भी होती है उसका जो स्टिंग होता है वो रिट्रैक्टाइबल होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर उसने एक बार स्टिंग उसमें डाला, जिसको उसने काटना है, अगर उसमें एक बार डाला, जब वो उसको खींचेगी तो वो समटाइम्स क्या होता है, वो टूट जाता है, क्योंकि उसकी जो शेप है वो ऐसे होती है, ठीक है। तो ये यहाँ से ब्रेकेज हो जाती है, ठीक है, ये चीज़ होती है। सिमिलरली इन केस ऑफ वर्कर बीज, वर्कर बीज में भी क्या होता है, जो रिट्रैक्टाइबल होता है, जो इसका स्टिंग होता है, तो वो क्या होता है, जब वो काटी तो वो मर जाती हैं, ठीक है। सो देन वी हैव अनदर बी बिहेवियर। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि इसमें स्वार्मिंग की, एब्सकॉन्डिंग की कंडीशन आती है, तो ठीक है, तो ये इनका कौन कौन सा बिहेवियर होता है वो अभी हम देखेंगे इसमें, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है इसमें बी स्वार्मिंग। बी स्वार्मिंग में क्या होता है, इसमें जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉलोनी होती है, मल्टीप्लिकेशन मींस उसको डिवाइड करता है वो कॉलोनी में। जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं, या फिर ये क्या होता है कि जब दो क्वींस एक ही कॉलोनी में प्रेजेंट होती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, स्वार्मिंग हो जाती है, ठीक है। तो वो
क्या करते हैं, वो माइग्रेट कर जाती हैं, जो क्वीन होती है वो माइग्रेट कर जाती है नेक्स्ट प्लेस पे। और इसमें एक और कंडीशन होती है, इसमें ये होता है कि जो एक कॉलोनी है उसमें कितनी क्वीन्स हो सकती हैं, सिर्फ ओनली वन हो सकती हैं, ठीक है। जब ये क्वीन बी का कोई लार्वा वहाँ पे होता है और जब वो क्वीन बनता है तो वो क्या करेगा, या तो जो ऑलरेडी उसमें क्वीन है वो उसको किल कर देगी, अदरवाइज जो अभी न्यू क्वीन क्वीन बनी है वो उसको किल करेगी, ठीक है। दो क्वीन्स एक कॉलोनी में नहीं हो सकती, ठीक है। और अगर दो क्वीन्स होती हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, फिर स्वार्मिंग कंडीशन हो जाती है। वो क्या करती हैं, अपनी जो कॉलोनी है उसको डिवाइड कर लेती हैं, एक उसका अपना जो कॉलोनी एक जो उसमें रह जाती है और दूसरी उसको अपने साथ में ले जाती हैं आधे वाली बीज उसमें, क्योंकि ये जो क्वीन्स होती हैं वो एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करती हैं और उसी सब्सटेंस को जो वो रिसीव करके जो वर्कर्स हो गए, ड्रोन्स हो गए, वो उसी के बेसिस के ऊपर वो उसके साथ अटैच होते हैं, वो उसके साथ रहते हैं, ठीक है। जब दूसरी जब क्वीन बी ने सब्सटेंस प्रोड्यूस किया, सपोज करो एक तो बीच में ऑलरेडी है और जो दूसरी है जब वो सब्सटेंस प्रोड्यूस करेंगे, अगर वो बाहर जाएगी तो वो उसके पीछे चले जाएंगे, ठीक है। जो बीच में रह गए जिन्होंने उससे प्रोड्यूस किया वो सब्सटेंस रिसीव कर लिया, ठीक है, तो वो उसमें ही रह जाएंगे। ऐसे होते हैं ये स्वार्मिंग कंडीशन, ठीक है। देन वी हैव अनदर दैट इज कम्युनिकेशन इन बीज, ठीक है। तो बीज में कम्युनिकेशन कैसे होती है, ये कैसे अपने साथ बात करती हैं, जैसे जो आंट्स होती हैं वो कम्युनिकेट करती हैं थ्रू एंटीना, जो आंट्स होती हैं वो कम्युनिकेट करती हैं थ्रू एंटीना। तो जो हमारी बीज हैं, ठीक है, जो हमारी हनी बीज हैं वो कैसे एक दूसरे से बात करती हैं, तो उनके लिए दो डांस करती हैं, वो अलग टाइप के दो डांस होते हैं। वो कम्युनिकेट इसलिए करती हैं क्योंकि उन्होंने ये देखना होता है कि फूड कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, या फिर कोई कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई डेंजर आ रहा है, ठीक है। इस कंडीशन में उन्होंने क्या एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है, एक दूसरे को बताना है, फर्दर उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिसेमिनेट करना है ताकि वो अपनी कॉलोनी को बचा सके, ठीक है। इसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, कम्युनिकेशन करना पड़ता है। तो मेनली जो कम्युनिकेशन है वो मेनली होती कैसे है, वो क्या करेंगे, वो सब्सटेंस प्रोड्यूस करेंगे। कौन कौन से सब्सटेंस हो सकते हैं, फेरोमोन्स हो सकते हैं, ठीक है। देन ये जो फेरोमोन्स है वो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, इसमें वेसोनव ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। देन अलार्म फेरोमोन हो सकते हैं, देन स्टिंगर्स सेक्रीशंस ऑफ टार्सल ग्लैंड्स हो सकती हैं, ठीक है। और फर्दर इसमें क्या होता है, ये डांस करते हैं, ठीक है, दो सर्कल बनाते हैं ये, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एक तो होएगा ऐसे ऐसे वाला सर्कल, ठीक है, और एक होएगा इसके उल्टा, ऐसे वाले सर्कल्स बनाती हैं ये, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, जब ये वाला डांस करती है, राउंड डांस करती हैं, या तो वो ऐसे चलेगा, ठीक है, या फिर उसका उल्टा चलेगा, या तो कैसे चलेगा, ये यहाँ से स्टार्ट होके ऐसे वाले में, ठीक है, या एक इसका उल्टा चलेगा दिस वे, ठीक है। तो ये इस जो डांस में वो क्या बताना चाहती हूँ कि जो फूड है वो कितनी स्पेस पे अवेलेबल है, ठीक है। तो वो अगर ये वाला डांस करती है, राउंड डांस करती है, तो उसमें पता चलता है कि जो फूड है वो जो उसकी कॉलोनी है वहाँ से 50 मीटर अवे उसका जो फूड प्रेजेंट है वहाँ से उसने क्या करना है, फूड लेके आना है, ठीक है। तो इस कंडीशन में वो जो उसकी दूसरी जो बीज होती हैं उनके साथ वो ऐसे कम्युनिकेट करती हैं, ठीक है। वो कैसे कम्युनिकेट करेंगी, ऐसे करके कि वहाँ पे हमारा फूड प्रेजेंट है, ओके। देन वी हैव अनदर वैगल टेल वैगिंग डांस और वैग टेल डांस। उसमें वो क्या करती हैं, जो अपनी टेल है, अपनी जो उसकी पूंछ होती है उससे डांस करती हैं वो, ठीक है। तो वो डांस कैसे करती हैं वो, और जो पहले हमने देखा कि वो राउंड डांस करेंगी, या तो वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, या तो वो क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, या वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। ये होता है लेस देन 50 मीटर के लिए, ठीक है। तो मोर देन 50 मीटर के लिए वो क्या करेंगी, वैगल टेल डांस करेंगी, ठीक है। वैग टेल डांस करती हैं वो मोर देन, जब उनका जो फूड है वो कहाँ पे होता है, मोर देन 50 मीटर्स होता है, ठीक है। इन केस ऑफ एपिस मेलिफेरा, मेलिफेरा मीन्स ये जो इटालियन और यूरोपियन बीज हम इनको बोलते हैं, उनके केस में होता है, ठीक है। तो वो क्या करती हैं, वो दो हाफ सर्कल्स बनाती हैं। वो कैसे बनाएंगी, ऐसे करके हाफ सर्कल्स बनाएंगी। वो कैसे, ऐसे हाफ सर्कल्स बनाती हैं, जैसे हमारा 8 होता है ना,
वो ऐसे वाले सर्कल्स बनाती हैं, ठीक है, ऐसे वो उसमें राउंड राउंड ऐसे सर्कल बनाएंगी, हाफ सर्कल, 8 बनेगा, ठीक है। फिर वो पहले तो स्ट्रेट जाएंगी, देन ऑपोजिट डायरेक्शन में ये सर्कल बनाएंगी। तो ऐसे वाला जब वो डांस करती हैं, तो उससे पता चलता है कि उनका जो फूड है वो उनके जो कॉलोनी है वहाँ से मोर देन 50 मीटर्स अवे है, ठीक है। ऐसे ये कम्युनिकेट करते हैं। देन वहाँ पे जाके उन्होंने करना क्या है, फॉरेजिंग करनी है। फॉरेजिंग का मतलब क्या होता है, वहाँ से उन्होंने पोलन और जो नेक्टर है उसको कलेक्ट करना है, ठीक है। वो क्या करेंगे, नेक्टर और पोलन कलेक्ट करेंगे, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन इन बीज। तो अभी हम इसके डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से जो डिजीजेज हैं जो हनी बीज में आते हैं, ठीक है। वन बाय वन मैं आपको बताऊंगी उसके बारे में। तो जो फर्स्ट डिजीज है वो क्या होता है, एक्राइन डिजीज, ठीक है। इसको हम इस्ले ऑफ वाइट भी बोलते हैं, क्योंकि ये उसका रीजन है, वहाँ भी हुआ था सबसे पहले, इस्ले ऑफ वाइट में ये रिपोर्ट किया गया था, इसलिए इसको हम इस्ले ऑफ वाइट भी बोलते हैं। तो इस डिजीज में मेनली जो इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो क्या होता है, वो एक माइट है। वो क्या है, एक माइट है, उसका नाम है कैरापिस वुडी, ठीक है, कैरापिस वुडी है इसका नाम। देन ये कहाँ पर जो हनी बीज हैं कहाँ पर उसको इन्फेक्ट करती हैं, ये उसके ट्रेकिया एज वेल एज उसका जो बॉडी फ्लूइड है उसके ऊपर इफेक्ट करेगी। ट्रेकिया क्या होते हैं, ट्रेकिया होते हैं जो उसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं उसके ऊपर इफेक्ट करती है, ठीक है। और इसके सिम्टम्स क्या हैं, ये उसके जो हेमोलिम्फ है, हेमोलिम्फ होता है जैसे हमारी बॉडी में ब्लड होता है, वैसे जो इंसेक्ट की बॉडी में ब्लड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हेमोलिम्फ बोलते हैं। उसके ऊपर ये फीड करते हैं, ठीक है, और ये लिव करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं इन ट्रेकिया, जो इंसेक्ट के ट्रेकिया होते हैं, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पे ये रहते हैं और वहीं पे रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो कौन सी स्टेज अफेक्टेड होती है मेनली, जो हनी बीज है उनकी कौन सी स्टेज है जो इस जो माइट से इन्फेक्टेड होती है, तो उसको जिसको वो अफेक्ट करता है तो वो है अडल्ट स्टेज, ठीक है। लाइक वाइज देर इज अनदर, दैट इज एम्योबिक डिजीज, जो एक अमीबा वो अफेक्ट करता है इसमें, इसीलिए हम इसको बोलते हैं अम्योबिक डिजीज। तो वो उसका साइंटिफिक नेम है हमारे पास मेलिफिगी अमीबा मेलीफेरा, मेलिफिगी अमीबा मेलीफेरा, ठीक है। देन ये कहाँ पे इफेक्ट करता है, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स, और जो मालफिजियन ट्यूब्यूल्स है मेनली इनका क्या काम होता है, एक्सक्रीशन का काम होता है। ये क्या करते हैं, जो इंसेक्ट के बॉडी में जो यूरिन होता है उसको वो पास आउट करने में हेल्प करती है। तो उसमें क्या होता है, ये इफेक्ट करता है इसकी मालफिजियन ट्यूब्यूल्स को, ठीक है। तो उसमें क्या करेगा, वो डिसेंट्री कॉज करेगा, कंटेमिनेट कर देता है वो जो हेल्दी बीज होती हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होएगा, डिसइंफेक्शन, ये सैनिटेशन नहीं होएगी, वो गंदी हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो उसमें क्या होएगा, कंटेमिनेट कर देगा। तो इस ये जो अमीबा है वो किस स्टेज को अफेक्ट करता है, हनी बीज के लार्वे को अफेक्ट करता है या उसके वर्कर बीज को, ठीक है, या उसके निम्फ को, ठीक है, किस चीज़ को अफेक्ट करता है, तो ये अफेक्ट करेगा अडल्ट स्टेज को उसके, ठीक है। सिमिलरली अनदर वी हैव नोजेमा डिजीज, ठीक है। ये क्या होता है, ये नोजेम, इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो नोजेमा एपिस है, और ये अफेक्ट करता है जो हनी बीज का स्टमक है, स्टमक के ऊपर इफेक्ट करता है, ठीक है। ये भी अडल्ट जो हनी बीज होती हैं उनके उसमें होता है, इसमें क्या होता है, ये नोजेमा कॉज कर देता है। और इंटेस्टाइनल ट्रैक होता है जो बीज का, इंटेस्टाइनल ट्रैक मींस जहाँ पे उसकी जो इंटेस्टाइन होती है वहाँ पे ये उसमें चला जाता है और वहाँ पे नोजेमा कॉज कर देता है, ठीक है। देन वी हैव अनदर, दैट इज अमेरिकन फॉल ब्रूड। ये जो हमारे पास यूरोपियन फॉल ब्रूड और अमेरिकन फॉल ब्रूड है, ये जो डिजीजेज होते हैं मेनली दे आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ये किससे होते हैं, बैक्टीरिया से कॉज होते हैं, और ये मेनली जो इंसेक्ट की गट होती है, गट होती है जहाँ से वो फूड को इंजेस्ट करता है, ठीक है, जहाँ से वो जो फूड को इंजेस्ट करेगा, ठीक है, उसकी जो फर्दर उसको वो कंज्यूम करता है, फर्दर उसकी डाइजेशन होती है, अब्जॉर्प्शन होती है, तो वो क्या करेगा, उसकी गट के ऊपर इफेक्ट करते हैं ये जो बैक्टीरिया है, ठीक है। तो ये जो अमेरिकन फॉल ब्रूड है वो उसकी गट के ऊपर इफेक्ट करता है, जो यूरोपियन फॉल ब्रूड है वो क्या करेगा, मिड गट के ऊपर इफेक्ट करता है। वो कहाँ पे इफेक्ट करता है, मिड गट के ऊपर इफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास अमेरिकन फॉल ब्रूड है उसमें क्या होता है, जो लार्वा है वो जो उसके सेल्स होते हैं,
जो मैंने अभी बताया कि ये हमारे पास कॉम्ब है, कॉम्ब में फर्दर ऐसे सेल्स बने होते हैं जिसमें क्या होते हैं, लार्वा होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, लार्वे, ठीक है। तो ये जो लार्वा है वो उसी में सील रह जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, उसी में सील रह जाते हैं, ठीक है। और वो जो उनका कलर है वो डार्क ब्राउन हो जाता है। पहले क्या होएगा, पहले तो वो वाइट कलर के होते हैं, बाद में उसका कलर क्या होता है, डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है। और ये फाउल स्मेल देते हैं, फाउल मीन्स गंदी स्मेल देते हैं, इसी के लिए इसको बोला जाता है अमेरिकन फाउल। फाउल इसी के लिए बोला जाता है क्योंकि इसमें से गंदी स्मेल आती है। और इसमें होता क्या है, जो इसके लार्वा होते हैं वो जो कैप्स होते हैं, जो सेल्स हैं, उसी में रह जाते हैं, उसी में सील रह जाते हैं, और वो उससे बाहर ही नहीं आते। और ये डार्क ब्राउन कलर के हो जाते हैं, और उसमें क्या होता है, ये फाउल स्मेल देते हैं इसमें, ठीक है। लाइकवाइज यूरोपियन फाउल ब्रूड होता है, उसमें क्या होता है, जो लार्वे है पहले तो वो क्या करेंगे, येलो कलर के होंगे, उसमें तो वो सीधा हमने देखा कि डार्क ब्राउन कलर के होंगे, ठीक है। इसमें क्या है, ये पहले लाइट येलो कलर के होंगे, देन ब्राउन कलर के हो जाएंगे, फिर क्या होंगे, ब्राउन कलर के हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो ट्रेकियल सिस्टम होता है, जो इंसेक्ट का ट्रेकियल सिस्टम होता है, जो मैंने अभी आपको पहले बताया था कि ये जो ट्रेकियल सिस्टम होता है वो क्या करता है, वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो विजिबल होना, विजिबल मतलब कि उसमें दिखना स्टार्ट हो जाता है, जो इंसेक्ट की बॉडी होती है ना, वहां से वो जो ट्रेकियाज होते हैं वो कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट ही हो जाते हैं इसके इफेक्ट से, ठीक है। तो इसमें फर्दर क्या होता है, ये फाउल स्मेल देगा, क्योंकि इसका नाम क्या है, फाउल, ठीक है। इसका नाम क्या है, यूरोपियन फाउल। तो ये दोनों होते किस में है, ये लार्वा में होते हैं। ये इफेक्ट कौन सी स्टेज को इफेक्ट करते हैं, ये लार्वल स्टेज को इफेक्ट करते हैं। सो फर्दर वी हैव चाक ब्रूड, ठीक है, और स्टोन ब्रूड। तो ये जो चाक और ये स्टोन ब्रूड होते हैं, ये क्या है, ये फंगल डिजीजेज हैं, ये क्या है, फंगल डिजीजेज हैं, ठीक है। तो ये मेनली क्या करेंगे, ये फर्दर जो लार्वल स्टेज के ऊपर ही इफेक्ट करते हैं, और उसकी जो गट है या उसकी एलिमेंट्री कैनाल है उसके ऊपर इफेक्ट करेंगे, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, जो फंगस होती है, ये जो फंगस है वो क्या करेगी, जो बॉडी है उसको कंज्यूम करेगी, और ये इसका नाम है चाक ब्रूड। तो उसकी जो बॉडी है उसको वाइट कलर का कर देगी, और वो चाक जैसा हो जाता है। जब हम इसका जो ये जो लार्वा दैट इज इन्फेक्टेड विद दिस चाक ब्रूड, तो उसको क्या करेंगे, जब हम उसका लार्वा लेंगे, अगर हम उसको जमीन पे ऐसे चाक की तरह घिसाएंगे तो वो वाइट कलर देगा, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, चाक ब्रूड बोलते हैं इसको, ठीक है। देन वी हैव अनदर दैट इज स्टोन ब्रूड। इसमें क्या होता है, जो डेथ हो जाती है जब लार्वे की, तो वो इतने ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, वो ऐसे लगते हैं जैसे वो स्टोन होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, स्टोन ब्रूड बोला जाता है। और जो इसकी बॉडी होती है, जो लार्वा है, ये लार्वा है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, और जो बॉडी है उसके ऊपर फंगल स्पोर्स होते हैं, इसके ऊपर क्या आएंगे, फंगल स्पोर्स होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्टोन ब्रूड, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, और इसके ऊपर स्टोन और इसके ऊपर क्या होते हैं, फंगल स्पोर्स होते हैं। और ये जो फंगस है वो उसके लार्वल स्टेज एज वेल एज उसकी जो अडल्ट स्टेज है वो दोनों को अफेक्ट करता है। वो किस किस स्टेज को अफेक्ट करता है, उसकी लार्वल स्टेज को भी करेगा, और जो उसकी अडल्ट स्टेज है दोनों को अफेक्ट करेगा, ठीक है। देन वी हैव डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय वायरस। तो इस डिजीज का नाम क्या है, इसको बोलते हैं हम सैक ब्रूड वायरस, इसको क्या बोलते हैं, सैक ब्रूड वायरस। तो ये मेनली किस चीज के ऊपर इफेक्ट करता है, ये करता है ओवरऑल जो इंसेक्ट की स्किन होती है उसके ऊपर इफेक्ट करेगा। तो ये इसमें होता क्या है, जो मेनली जो इंसेक्ट होता है, जब कभी आप देखोगे जो इसका जो लार्वा है वो मेनली वाइट कलर का होता है, जो हनी बीज है उनका जो लार्वा होता है वो मेनली वाइट कलर का होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसका जो स्किन का कलर है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, कि वाइट से पहले ग्रे कलर का आएगा, देन वो क्या हो जाएगा, ब्लैक कलर का, वो क्या होएगा, ब्लैक कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेनली इफेक्ट करता है उसकी लार्वल स्टेज के ऊपर, ठीक है, ये किस में इफेक्ट करता है, उसकी लार्वल स्टेज के ऊपर इफेक्ट करेगा। देन वी हैव अनदर डिजीज दैट इज कॉलोनी क्लैस्प डिजीज। ये जो कॉलोनी क्लैस्प का मतलब ये है कि जो कॉलोनी है वो क्लैस्प कर जाती है, वो मतलब कि ख़त्म ही होनी स्टार्ट हो जाती है, वो इकट्ठी होके ख़त्म ही होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है।
तो ये मेनली किस चीज से आता है? ये जब कोई स्ट्रेस आ जाता है, ठीक है, ये देखो कोई स्ट्रेस आ गया, कोई माल न्यूट्रिशन होगी, ठीक है, कोई पैथोजन या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। आपने देख सुना होगा कि ये बहुत ज़्यादा चल रहा है कि जैसे बीटी कॉटन है, उससे क्या हो रहा है, जो हनी बीज हैं वो उनकी जो पॉपुलेशन है वो कम हो रही है। उसमें क्या है, जब हनी बीज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जैसे बीटी कॉटन हो गए, बीटी ब्रिंजल हो गए, ठीक है, ये इसके ऊपर जब उनसे वो नेक्ट्रॉल जो पोलन लेते हैं तो उसमें एक डिजीज आता है। तो वो क्या है, कॉलोनी क्लैस्प डिजीज। वो डिजीज क्या है, कॉलोनी क्लैस्प डिजीज, ठीक है। तो ये मेनली किसको अफेक्ट करता है, जो कॉलोनी होती है कम्प्लीटली उसको अफेक्ट करेगा, ठीक है। इसमें क्या आएगा, जो वर्कर बीज होती हैं वो हाइव से बाहर जाना स्टार्ट कर देती हैं, वो रहती नहीं है वहाँ पे। और वर्कर बीज अगर ना हुई तो कॉलोनी ऑलमोस्ट ख़त्म है, क्योंकि वर्कर बीज का ही मेनली काम होता है, क्योंकि उन्होंने पॉलन कलेक्ट करना है, उन्होंने नेक्टर लेके आना है, देन उसको हनी में उसको कन्वर्ट करती हैं, वो क्लीनिंग का काम करती हैं, फॉरेजिंग एक्टिविटीज़ करती हैं, ठीक है। अगर वर्कर बीज नहीं होती सारी कॉलोनी ख़राब हो जाएंगी, ठीक है। तो ये मेनली जो अफेक्ट करती हैं वो किसको अफेक्ट करती हैं, वर्कर बीज को। वर्कर बीज इसलिए अफेक्टेड होती हैं क्योंकि मैंने अभी पहले भी आपको बताया था कि जो मेनली क्वीन बी होती है उसका काम क्या होता है, उसने अकेले एग्ज ले करने होते हैं, ठीक है। और जो ड्रोन्स हैं वो मेटिंग के लिए यूज होते हैं, वो कोई काम नहीं करती। तो काम कौन करता है, वो करती हैं वर्कर बीज। और वर्कर बीज ही बाहर जाती हैं, वहां से वो फूड लेके आती हैं, जो नेक्टर है वो पोलन है, ठीक है, तो वही अफेक्टेड होती हैं। बाकी जो बीज हैं, जो हमारी क्वीन बीज होगी, ठीक है, जो हमारे ड्रोन्स होंगे वो अफेक्टेड नहीं होंगे। कौन अफेक्टेड होएगा, वर्कर बीज ही अफेक्टेड होंगी, क्योंकि वो मेनली फीड करते हैं जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हो गए, ठीक है, उन्हीं में स्ट्रेस होएगा, ठीक है, ये चीज़ होगी। देन वी हैव अनदर दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एनिमीज ऑफ हनी बीज। तो अभी हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि इसमें डिजीज होते हैं, तो इसमें भी इंसेक्ट आते हैं। जैसे हनी भी एक, खुद भी एक इंसेक्ट है, दिस इज नॉट अ पेस्ट, ये हम पेस्ट नहीं बोल सकते। पेस्ट वो होते हैं जो हमें, जो हमारी क्रॉप है, ठीक है, या फिर ह्यूमन बीइंग्स हैं या एनिमल्स हैं, जिसको वो अफेक्ट करते हैं, ठीक है, जिसकी जो वो जो हेल्थ है उसको अफेक्ट करते हैं। दे आर नॉट पेस्ट, दे आर इंसेक्ट, और दे आर दी हार्मफुल, दे आर दी बेनिफिशियल इंसेक्ट, ठीक है। तो फर्दर इसमें क्या होता है, इसमें भी पेस्ट आते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से पेस्ट हैं जो अफेक्ट करते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें मेनली तीन मौत आते हैं। फर्स्ट वन इज द डेड हॉक मॉथ, ठीक है, देन ग्रेटर और लेसर वैक्स मॉथ, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये मेनली जो वैक्स मॉथ है वो मेनली वैक्स के ऊपर फीड करते हैं, ठीक है। और जो हमारा डेड हॉक मॉथ है वो क्या करता है, वो जब हाइव में आ जाता है, हाइव क्या होती है, जो मैंने अभी आपको पहले बताई हुई है कि हाइव वो एक डब्बा है जिसमें हम कोई जो हमारी हनी बीज हैं उनको रेयर करते हैं, ठीक है। वो क्या करता है, वो हाइव में एंटर करके जो उसमें जितना भी हनी होता है, जितना भी हनी होता है उसके ऊपर वो क्या करेगा, फीड कर लेगा, वो उसका जो सारा हनी है वो उसको फीड कर लेता है, ठीक है। और मेनली ये एट नाइट, जब रात का समय होता है उसी टाइम पे वो क्या करता है, वो हाइव में एंटर करता है, ठीक है। देन वी हैव ग्रेटर वैक्स मॉथ और दी लेसर वैक्स मॉथ। वो क्या करते हैं, वो मेनली जो कैटरपिलर्स होते हैं उसके, कैटरपिलर्स मीन्स जो उसके लार्वा होते हैं, कैटरपिलर मीन्स क्या होता है, जो उसके लार्वा है, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो टनल्स बनाते हैं। टनल्स का मतलब ये है, जैसे सपोज करो कि ये यहाँ पे कॉम्ब्स में ये हमारे पास सेल्स हैं, वो क्या करेंगे, इसके बीच में ऐसे ऐसे जगह बना लेंगे, वो क्या करेंगे, इसके बीच में जगह बना लेंगे, ठीक है। और जब ये कब बनाते हैं, जब स्ट्रेस होता है, और वो फिर क्या करते हैं, क्योंकि ये जो हमारे सेल्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, वो वैक्स से बने होते हैं, ठीक है, तो वो उसके ऊपर फीड करते रहते हैं। तो उससे क्या होएगा, जो उसमें लार्वा होएंगे, ठीक है, वो खराब हो जाएंगे, ठीक है। तो उससे क्या होएगा, जो हनी बीज हैं वो उनकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, जो वर्कर बीज कम प्रोड्यूस होंगी, ड्रोन्स कम प्रोड्यूस होंगे, मतलब कि उनकी जो कॉलोनी की पॉपुलेशन है वो कम हो जाएगी। सिमिलरली जो लेसर वैक्स मॉथ है वो भी ऐसे इफेक्ट करते हैं, ठीक है। देन वी हैव प्रेडेटरी वास्प।
जैसे हम बोलते हैं कि जो ये येलो कलर के वास्प आपने देखे होंगे, सिमिलरली जो हनी बीज हैं उसके ऊपर भी एक वास्प अटैक करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेडेटरी वास्प बोला जाता है। उसका नाम क्या है, वेस्पा ओरिएंटेलिस और वेस्पा मैंजीफेरा भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ये प्रे करता है बीज के ऊपर, मीन्स कि ये बीज को खा जाता है। ये क्या करता है, बीज को खा जाता है। और जो वैस्प होते हैं वो मैसीरेट कर देते हैं बीज को, मैसीरेट का मतलब है कि उसको कुचल देते हैं, ठीक है। उसको क्या कर देते हैं, कुचल देते हैं और उसके ऊपर फीड करते हैं, जो उसके लार्वे होते हैं उसके ऊपर फीड करते हैं ये, ठीक है। देन वी हैव अनदर, दैट इज आंट्स। तो ये जो आंट्स होती हैं, एक तो हमारे घरों में नॉर्मल आंट्स होती हैं, ठीक है, वो भी उनकी जो फर्दर एक टाइप होती है, जैसे डोरीलाइमस होगी, ठीक है, कंपोनेटस कंप्रेसस होगी, ये क्या करती हैं, ये हनी बीज को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वो क्या करती हैं, ये दे टेक अवे हनी एंड ब्रूड और वीकन और डिस्ट्रॉय द हनी कॉलोनी। तो वो क्या करती हैं, वो भी जो उसका हनी है वो हनी के ऊपर फीड करती हैं, ठीक है, और उसकी जो कॉलोनी है उसको वीक कर देती हैं, ठीक है, और जो कॉलोनी है उसको ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर देती हैं। तो ये जो आंट्स हैं उससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये हमारी हाइव है, ये इसके स्टैंड्स हैं, ठीक है। तो स्टैंड्स में हम क्या करेंगे, यहाँ पे वाटर रखेंगे, ये कोई बर्तन लेके यहाँ पे क्या करेंगे, हम वाटर रखेंगे ताकि जो हाइव में वो एंट्री ना कर पाए। अगर वो बर्तन में भी जाएंगी तो उसमें क्या होएगा, वाटर होएगा, तो वाटर में वो मर जाएंगी। सो इन दिस वे वी कैन कंट्रोल द आंट्स, ठीक है। सो दीज वर द मेनली एनिमीज ऑफ दी हनी बीज। सो थर्ड वन वी हैव, जो हमारा थर्ड बेनिफिशियल इंसेक्ट है वो क्या, हमारे पास लैक इंसेक्ट। पहले तो हमने डिस्कस किया था सिल्क वॉर्म के बारे में, जो हमें सिल्क देता है वो स्लिवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस करता है। लाइकवाइज हमने हनी बीज का किया डिस्कस, कि वो हमें हनी प्रोवाइड करते हैं, वैक्स प्रोवाइड करते हैं, रॉयल जेली होती है, ठीक है, ये हमने सारा डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे अनदर इंसेक्ट, दैट इज़ वॉट, लैक इंसेक्ट, जिससे हमें क्या मिलता है, लैक मिलता है, जिसको हम यूज़ करते हैं डाइज के लिए। फिर हम बोलते हैं कि लैक की वो चूड़ियाँ भी होती हैं, लाख की चूड़ियाँ बोलते हैं हम जैसे, है ना, वो सारा हमें कहाँ से मिलता है, लैक इंसेक्ट से मिलता है। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसका साइंटिफिक नेम है लैसीफर लाका। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, लैसीफर लाका। और इसका जो ऑथरशिप है वो है कर, KER। इसका जो ऑथर का नाम है वो क्या है, कर, ठीक है। तो इसकी जो फैमिली वो क्या है, लैसीफेरिडी। और ये कौन से ऑर्डर को बिलोंग करता है, ये करता है होमोप्टरा, होमोप्टरा ऑर्डर को ये बिलोंग करता है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि जो, जैसे मैंने पहले आपको बता दिया था कि जो सिल्क वर्म है वो सिलरी ग्लैंड उसके जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सिल्क प्रोड्यूस करने के लिए, तो इसमें कौन सी चीज़ होती है जहाँ से ये लैक प्रोड्यूस होता है। तो ये जो लैक पहले होते हैं ये बहुत ही माइन्यूट इंसेक्ट होते हैं, ये बहुत छोटे छोटे से इंसेक्ट होती हैं। और जो इसकी बॉडी होती है ना, इसकी जो आउटर कवरिंग होती है वो क्या करती है, वो रेजिनस सिक्रीट करती है, वो रेजिनस सिक्रीट करेगी, दैट इज़ वॉट वी हैव लैक। उसी को हम क्या बोलते हैं, लैक, और उसको हम शेलक भी बोलते हैं, ठीक है। वो जो रेजिनस सक्रीशंस होती हैं वो क्या होती हैं, लैक होता है, और उसको हम शेलक भी बोलते हैं, ठीक है। देन ये कैसे, कौन से जो डर्म, कौन से ग्लैंड्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल, कौन से ग्लैंड्स होते हैं ताकि ये जो सक्रीशंस हो, तो दैट आर व्हाट वी आर कॉल्ड एज दी डर्मल ग्लैंड्स। और ये जो डर्मल ग्लैंड्स है वो सारी बॉडी के ऊपर रहती हैं एक्सेप्ट फ्यू पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स है जहाँ पे ये डर्मल ग्लैंड्स नहीं होती, ये उसके जो माउथ पार्ट्स हो गए, ठीक है, देन ब्रीदिंग पोर्स हो गए, और जो एनस हो गया, एनस हो गया जहाँ से उसकी एक्सक्रीशन होनी है, ठीक है, ब्रीदिंग पोर्स हो गए जहाँ से उसने रेस्पिरेशन करनी है, ठीक है, और जो माउथ पार्ट्स जहाँ से उसने कंज्यूम करना है, इंजेशन करनी है, तो वो वाले पार्ट के ऊपर डर्मल ग्लैंड्स नहीं होते, वहाँ से जो हमें लैक नहीं मिलता। अदरवाइज जो लैक की होल बॉडी होती है, जो लैक इंसेक्ट है उसकी जो होल बॉडी है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड अस द लैक, ठीक है। तो वहां से हमें क्या मिलता है, लैक मिलता है। तो इसमें ये होता कैसे है, इसमें जो इसके निम्फ्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो वो प्लांट है वो क्या करते हैं, वो प्लांट का जो सैप होता है, ठीक है, जो लिक्विड पोर्शन होता है वो उसमें से सैप सक करते रहते हैं। जब वो सैप सक करते रहते हैं तो क्या होता है,
वो एक रेजिनस मटेरियल सेक्रेट करेंगे, जब वो उसकी सकिंग करेंगे तो वो खुद क्या करेंगे, रेजिनस मटेरियल सेक्रेट करते हैं, ठीक है, ओवर द बॉडी, सारी बॉडी के ऊपर वो रेजिनस मटेरियल सेक्रेट करते हैं, ठीक है। और ये फर्दर हम ये जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि इसको हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, इसको हम डाइज के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, देन इसके हम लाख की हम चूड़ियाँ बोलते हैं, देन वार्निशेस के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं, पॉलिशेस के लिए यूज़ करते हैं हम इसको, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो लैक इंसेक्ट है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है और कितनी जनरेशन होती हैं इसकी पर ईयर, जो लैक इंसेक्ट है फर्दर उसकी स्ट्रेंथ भी होती हैं, ठीक है, इसकी फर्दर स्ट्रेन्स भी होती हैं। तो इसमें कौन कौन सी स्ट्रेन आती है, मेनली इसमें एक तो है कुसुमी और दूसरी है रंगनी, एक है कुसुमी एक है रंगनी, और जो कुसुमी है फर्दर उसमें टू स्ट्रेन्स आती हैं, एक तो है ये जेठवी एक होती है अगानी। और इसकी हम जो रेयरिंग करते हैं वो कब होती है, इसका टाइम पीरियड होता है, जो हमारी जेठवी होती है वो जून जुलाई से लेके हम जनवरी फरवरी तक कर सकते हैं, जो हमारे पास अगानी है वो जनवरी फरवरी से हम जून जुलाई कर सकते हैं। मीन्स ये है कि इस इंसेक्ट को हम ओवर होल जो हमारा ईयर होता है उसकी टू स्ट्रेन, हम उसको पहले एक स्ट्रेन कर ली जनवरी से फरवरी, देन जून टू जुलाई दूसरी कर ली, ऐसे करके हम सारा जो साल है उसमें हम उसकी उसको रियर करते रहते हैं, उससे हम लैक प्रोड्यूस करते रहते हैं। और मेनली जो इसकी जनरेशन पर ईयर होती है वो कितनी होती है, सिक्स इसकी ड्यूरेशन होती है 6 मंथ्स, ठीक है, इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है 6 मंथ्स। सिमिलरली इन केस ऑफ दिस रैगनी, इसकी जो फर्दर स्ट्रेन है वो क्या है, एक तो हमारे पास है कटकी, देन वी हैव बैसाखी। इसमें क्या होता है, ये जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर, और इसकी जो ड्यूरेशन है वो 4 मंथ्स है, और जो हमारे पास बैसाखी है वो अक्टूबर नवंबर से हम क्या कर सकते हैं, जून जुलाई तक इसकी रियरिंग कर सकते हैं, ठीक है, और इसकी जो ड्यूरेशन है वो है 8 मंथ्स, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो मलबरी होता है, ठीक है, वो मलबरी सिल्क वॉर्म है, वो किसके ऊपर फीड करता है, देन इरी सिल्क वॉर्म है, देन टसर सिल्क वॉर्म है, ठीक है, जो हमने अभी डिस्कस किए थे मुगा सिल्क वॉर्म है, ठीक है, वो मतलब अलग अलग ट्रीज के ऊपर फीड करता है। लाइकवाइज जो हमारा ये जो हमारा लैक इंसेक्ट है वो भी अलग अलग उसके जो अलग अलग स्ट्रेन्स हैं वो अलग अलग फूड के ऊपर फीड करेंगे। तो उसमें कौन कौन से आते हैं, पहले हो गया रंगनी, ठीक है, ये जो रंगनी है वो किसके ऊपर होता है, वो होता है बूटिया के ऊपर, देन जीजोफस के ऊपर और शोरिया के ऊपर, इसके ऊपर ये फीड करते हैं, ये वाले ट्रीज के ऊपर हम इसकी रेयरिंग कर सकते हैं। और फिर ये जो हमारा अगानी और बैसाखी है, अगानी जो हम जनवरी फरवरी में, ठीक है, और जो बैसाखी हम अक्टूबर नवंबर से लेके फर्दर जून जुलाई तक हम इसकी रेयरिंग करते हैं, वो मेनली 90% ऑफ लैक प्रोडक्शन कंट्रीब्यूट करता है, वो कितनी 90% ऑफ लैक प्रोडक्शन कंट्रीब्यूशन देता है। और जो कुसुमी स्ट्रेन है इसका, कुसुमी स्ट्रेन ये जो स्ट्रेन है वो क्या है, उसका जो जो उससे हमें लैक मिलता है वो क्या होता है, सुपीरियर क्वालिटी का होता है और वो लाइट कलर का होता है, वो क्या होता है सुपीरियर क्वालिटी का होता है और वो लाइट इन कलर होता है, ठीक है। और फर्दर मैं अभी आपको बताऊंगी कि जैसे मैंने अब पहले बताया था कि जो हमारी हनी बीज हैं उसमें उसके जो उसके ऊपर भी काफ़ी सारे जो इंसेक्ट हैं वो उसको अफेक्ट करते हैं, सिमिलरली इन केस ऑफ दिस लैक इंसेक्ट इसके भी काफ़ी सारे एनिमीज हो सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से एनिमीज होते हैं, इसमें इसके प्रेडेटर्स हैं लार्ज वाइट लैक मॉथ, एक तो हो गया लार्ज वाइट लैक मॉथ, एक हो गया स्मॉल ब्लैक लैक मॉथ, तो इसके नाम है यूबलेमा एमेबिलिस और दूसरे का नाम है होलोसर्का पुलवीरिया, ठीक है। और एक लैक विंग फ्लाई होती है जो उसके ऊपर अफेक्ट करती है, तो उसका नाम क्या है, क्राइसोपा स्पीसीज, क्या है उसका नाम, क्राइसोपा स्पीसीज। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस बेनिफिशियल इंसेक्ट, जिसमें हमने डिस्कस किया है, पहले तो हमने डिस्कस किया था सिल्क वॉर्म के बारे में, ठीक है, देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट हनी बीज, एंड एट द एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट लैक इंसेक्ट, ठीक है। तो ये मेनली हमारे कौन ये हैं जो हमारे बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं। आई होप कि आपको सब कुछ समझ आया होगा। ओके, थैंक यू।